Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. So guys, आज हम आ गए हैं यहाँ पे ब्रे पे वॉक करने के लिए और आपको थोड़ा डिफरेंट व्यू दिखाऊंगा कि ब्रे जो पड़ता है डबलिन के बोलूँगा लिटरली बॉर्डर पे ही है। तो वैसे हम लास्ट टाइम कब आए थे हमारे हाइकिंग के लिए यहाँ पर? फोर इयर्स अगो, ज़्यादा नहीं था। अच्छा तो वहीं जाकर देखेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? डॉगी क्यूट लगा था। अच्छा नहीं, यहाँ से जाना होगा, नॉल पाथ है। सो गाइस अब ट्रेल स्टार्ट हो चुका है और ये बोलूंगा हमने गिनती की रफली 10 स्टेप्स लिए होंगे हमने और भी से मैं थक चुका हूँ। मैं फ्लावर्स देखिए अच्छे हैं। तो अभी ट्रेल यूजली अगर आप फिट हो तो चढ़ने में बोलूंगा लगेंगे 10 मिनट में चढ़ जाओगे ऊपर तक और मेरे से लोगों तो हमें रहेगा आधा घंटा 30-40 मिनट्स में चढ़ जाओगे ऊपर तक कि अगर नॉन स्टॉप हो। और मैं पीछे व्यू दे सकते हैं, व्यू बिल्कुल ही फैंटास्टिक है। और कभी यहाँ पर आना चाहते हैं तो डबलिन ज़्यादा जगह दूर नहीं है कि यहाँ पर बस सर्विसेज भी हैं तो आपको बस सर्विस यहाँ पर ले आएंगी। और या फिर आप कार रेंट करके आना चाहते हैं तो मैं डबलिन सिटी सेंटर से ही जगह ऑलमोस्ट बोलूँगा मैं 30-40 मिनट्स दूर है, सारा जगह दूर है नहीं है। और जब मैंने कार भी पार्क करी मैंने तो हमें फ्री पार्किंग है 24/7, तो रेकमेंड करूँगा हम आप पर आएँ और कार पार्क करें। आपको लोकेशन दे दूँगा मैं जब आप नीचे जाएंगे, मेरी बात सुन सकते हैं आप। अभी तो सांस फूलने लग गई मेरी। थक गई मैं? नहीं मैं नहीं थकता। Hey you. देखो हम तो पूरे slim trim हैं तो क्योंकि भैया थक रहा है। Oh my god. That's a terrible sister. तो गाइस यहाँ पे ये green trail है, हम green trail लेंगे और थोड़ा steep है चढ़ना ऊपर। आप आ जाएगा मैं? ज़्यादा स्लिपरी यहाँ पे। जी रुको, नहीं है यू सपोज टू कैप्चर मी ऑन द कैमरा। नाम से चलते रहो, डर क्या की जीत है। मम्मी ने भी बोला कि आपको सुनाऊंगा बर्ड्स की आवाज़ यहाँ पे, जैसे जैसे मैंने बोला कि हाँ जी सुनाया जाए बर्ड्स की आवाज़ को, मैंने इसका राउंड किया और बिल्कुल शांति हो गई यहाँ पर। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। Hey, you're not a bird, you're a human. Oh my God. सो क्या हम पहुँचना लें ऊपर कि हमें जहाँ पहुँचना है वो जगह बिल्कुल पीछे, वहाँ पे जहाँ क्रॉस दिख रही पीछे बिल्कुल पीछे, तो अभी हम वहीं पर ही जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा देर में। आ जाओ मम्मी, आप बाउंड्रीज में ला रही है ना? मम्मी दिखाएंगी पीछे से, तो अच्छा व्यू आ रहा है और जो व्यू जो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग है। Hello.
क्या करते हैं मेरी भी आप क्या करते हैं? बोलो बोलो अपनी आंख से देख सकते हो क्या बोलते हैं ट्रू डू यू एग्री यस भैया यू हैव नो चॉइस यू हैव टू गो होम सो लव टू एग्री लेकिन एक्चुअली सच तो ये बात अच्छा सच है आंखें सबसे बेटर कैमरा है कैनन से भी अच्छी बेटर कैमरा है हमारी आंखें हाउ डू यू नो यू नेवर चेक्ड इट यस वी डिड व्हाट डू यू मीन वी डिड आई नेवर चेक्ड इट या बिकॉज़ वी डिड याद है जब हम वो कैमरा चेक करने गए थे फिर लेकिन वो कहते वो तो अच्छा था नहीं वो चलो 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 बाद में बात करेंगे कैनन की तो गाइस यहाँ से व्यू है बहुत ही फैंटास्टिक है और मेरे पीछे ये ब्रे टाउन है और बिल्कुल पीछे वहाँ पर डबलिन सिटी सेंटर है और यहीं से दिख जाता है लैम्बे आइलैंड और दूसरा कौन सा है होथ जो पूरा आगे तक आ रहा है वो होथ है और सनर जो है लैम्बे आइलैंड है तो क्या जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे ही हाइट जो है बढ़ती जा रही है मतलब कॉमन सेंस है पर जो व्यू भी है बहुत ही फैंटास्टिक होता जा रहा है कह सकते हैं ये बोल सकते हैं कि हर लेवल पे एक डिफरेंट व्यू है और व्यू जो है डिफरेंट लेवल का है क्या बस हम सामने पहुँच गए भी है और सामने आ चुका ही है क्रॉस जो कि आपको नीचे से दिखा रहा था मैं तो क्रॉस में पहुँच गए हैं सर टाइम लगा पहुँचने में यहाँ बोलूँगा हम रफली पहुँच गए यहाँ पर कितने पहुँचे मैम अब हम पहुँच गए 30-40 मिनट से पहुँच गए पर यहाँ पर तो हम आराम से वॉक किया है कोई भाग दौड़ी नहीं मचाई है आराम से सेफली हमने क्लाइम किया पड़ता क्या कि यहाँ पे क्विक रूट भी था जब भी जिस लोग आ रहे हैं वहाँ से और क्विक रूट था तो हम चूज़ किया कि थोड़ा इजी रूट के लिए कि यहाँ पे स्ट्रेट रूट आ रहा ऊपर से आने का उनका जैसे जर्नी पे 3 या 4 मिनट ऐड कर रहा है तो हम एक्स्ट्रा 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लें जाके पत्थरों से गिरने से अच्छा यहाँ चलना सही है So rather be safe than sorry. So guys, how are we here cross the pass? So guys, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे Bray Hill पे और देखो मेरे पीछे cross है अभी यहाँ पर तो गाइस बस मैंने अभी अपना ड्रोन निकाला और देखा पीछे गारा का हेलीकॉप्टर घूम रहा है तो इसलिए मुझे वापस लैंड करना पड़ा हेलीकॉप्टर को सॉरी ड्रोन को वापस लैंड करना पड़ा क्योंकि बाय लॉ अगर आसपास एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है अलाउड नहीं ड्रोन उड़ाना तो इसलिए जब तक वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर है मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता हूँ तो देखेंगे तो मौका मिलेगा उड़ाऊंगा फिर ड्रोन नहीं तो फिर देखा जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ी क्लिप्स मिल गई हैं वीडियो की जो मैंने बनाई क्लिप्स थोड़ी सी वही डाल दूंगा क्लिप्स में वो आपने देख ली होंगी तो ये भाई साहब जी भी तो भी जा रहे हैं गार्डन जी पीछे से तो बस सब हम नीचे की तरफ वॉक कर रहे हैं अभी हम नीचे हम पहुँच जाएंगे बोलूँगा रफली 10 मिनट में कि चढ़ना मुश्किल है उतरना ज़्यादा आसान है तो पहुँचेंगे दादा जगह कि जो कार पार्क है वो बस नीचे है वहाँ पर साइड पर तो उस कार पार्क को रखी है तो ज़्यादा दूर ही जाना हमको बस ध्यान से उतरना होगा कि सर रॉक्स और सारे स्लिपरी रखे हैं
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो इसलिए आराम आराम से जाएंगे। तो गाइस बस मैं अभी यहाँ से मैं घर ही जाऊँगा मैं। तो गाइस थैंक्स फॉर दिस ब्लॉग, डिड एंजॉय इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, जैसे मैं नई वीडियो पोस्ट करूंगा बी द फर्स्ट वन टू वॉच इट। सो गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।